दशामृत ग्रंथ श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लाल्यं च षडमिर भक्ति विनश्यति। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है, जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं। किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और अग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्योतक क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है भुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धि कामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। तो यहाँ पर नियम आग्रह के विषय में बताया। अगला जो पॉइंट है प्रभुपाद समझाते हैं, नियम आग्रह शब्द का अर्थ है जो हमारी भक्ति के उत्थान के लिए नियम है, जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए, चार नियमों का पालन करना, मंगल आरती उठना, सोलह माला जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित तौर पर भक्तों का संग करना, श्रवण करना, ये सारे नियम, एकादशी का व्रत रखना, ये सारे नियम नियम आग्रह शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए अंत तक। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में हम बड़े सीरियस रहते हैं भक्ति में शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, कुछ साल हमें भक्ति में होंगे तो हम थोड़ा नियम में शिथिलता आ जाती है। पर्सनली जो है जैसा मैं अपना खुद फील करता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी तो हमें कितना समय हो गया करते हुए, अभी हम उनका पालन करते हैं लेकिन उतने दृढ़तापूर्वक नहीं करते जैसा हम पहले किया करते थे। तो ये नियमों में जो है जो दृढ़ता है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए, तब उसमें जो है शिथिलता आने के बजाय उसमें लगातार हमारा आग्रह बढ़ना चाहिए। हर समय हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनमें वृद्धि हो, कमी आ लेनी चाहिए। ऐसा दो चीज़ें बताते हैं, एक तो वैराग्य और दूसरा अपनी भक्ति। इनमें जो है कभी संतोष नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसा ही देखना चाहिए, उसमें कमी का अनुभव करना चाहिए। इस तरीके से इनमें लगातार वृद्धि होती जाती है, नहीं तो हम जैसे रुकते हैं हमारी प्रगति रुक जाती है। दूसरा नियम आग्रह शब्द का बताया कि नियमों को इस प्रकार से पकड़ना कि उनके पीछे का जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ गौण हो जाना और नियमों का पालन करना मुख्य हो जाना। ऐसा भी होता है, हम नियमों को इतने पक्के से पकड़ लेते हैं, वो नियमों का अर्थ क्या था, नियम किस लिए बनाए गए थे, वो बात विस्मृत हो जाती है। जैसे मान लो कुछ लोगों का नियम होता है एकादशी व्रत जो है बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें बोले नियम किसी हालत में हम नहीं छोड़ सकते, तो नियम नहीं छोड़ा, उसके कारण तबीयत भी खराब हो गई, कुछ माला जो है कोई माला भी नहीं हुई, भजन साधन भी नहीं हुआ, श्रवण कीर्तन भी नहीं हुआ, पूरा दिन व्यर्थ में चला गया। तो वो सारी चीज़ें किस लिए बनाई थी एकादशी में, मुख्य चीज़ क्या थी, भगवान का श्रवण कीर्तन होना,
वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये मुख्य चीज़ थी, और बाकी नियम जितने हैं वो उसको पोषण करने के लिए। लेकिन वो गौण हो गई और नियम मुख्यता से रह गए, तो यहाँ पे जो है अपने नियमों को ऐसे पकड़ लिया। दूसरा यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी ने, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अर्थात कि किसी की भी अभक्तों की संगति से बचना चाहिए, इसमें खास करके मायावादियों की संगति विशेष रूप से बताई गई। कई बार माया, कल भी कोई भागवत कक्षा में प्रभु जी कह रहे हमने देखा प्रभुपाद जी जो हैं बुक्स में कई बार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो उनके लिए था हमारे लिए नहीं है, कि वो करते थे हमें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। ये जो है मायावादी जो हैं ये हमारी भक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक यहाँ पे एक लड़का आता था, तो वो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा वो जुड़ गया, थोड़ा बुक्स पढ़ी, उसने 16 माला जप करनी शुरू कर दी। बीच में उसने क्या किया, एक दो कुछ पेज जो है उसने शंकराचार्य टीका के जो है उसने पढ़ लिए बीच में, मतलब उसको डाउट हुआ ऐसे, तो उसने बुक डाउनलोड करके जो है उसमें से पढ़ लिया। वो पढ़ने के कारण जो है उसके मन में ऐसी शंका बैठी, उसको जितना मर्जी मैं समझा लूँ, 16 माला जप करता है वो, बड़ा अच्छा मत है, सब कुछ है, जॉब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं उसे करता हूँ भाई भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, बोले वो तो भक्ति के विषय में, आप जो इसके विषय में बोलते हो, बोले वो उल्टा इसके विषय में बोलते हैं। तो वो बात जो है उसके मन में ऐसी स्टार्टिंग में ही वो बैठ गई है, उसके अंदर से बात निकलती नहीं है। उसके कारण जब उसका जब वो करता है, 16 माला भी करता है, चूंकि उसका कृष्ण की सत्ता में पूर्ण विश्वास कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, तो वो हमेशा नामापराध श्रेणी में ही गिना जाएगा। बहुत समय तक करने के बाद भी जो है वो नामापराध श्रेणी में ही आएगा, उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण जो है वो सर्वे सर्वा हैं, बाकी सब चीज़ें जो है उनका प्रकाश है, निर्विशेष जो है वो उससे नीचे है, लेकिन उस बात का आप उसके दृढ़ विश्वास होना बहुत मुश्किल हो गया। तो भगवान जो है महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुनी ले हय सर्वनाश, कि ऐसे नहीं बोला, इसमें सच्चाई है। थोड़ा सा भी सुनने से शंका का बीज पोषण हो जाता है, जो हमारी भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। एक कथा आती है, एक स्वामी थे, उनका नाम था स्वामी विद्यारण्य। तो वो बहुत गरीब परिवार से थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई इतनी गरीबी है परिवार में, तो गरीबी दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वृत्ति चलती आई थी, तो उन्होंने अनुष्ठान करने प्रारंभ किए, किसके लिए, ताकि धन आए। तो उन्होंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, तो गायत्री मंत्र का बड़े सारे अनुष्ठान किए, लेकिन उससे जो है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक किया, दो किया, तीन किया, 1,25,000 का गायत्री मंत्र का पुरुष चरण होता है, 1,25,000 जप करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने देखा कुछ फायदा नहीं हो रहा। ऐसे करते करते उन्होंने 23 जो हैं गायत्री मंत्र के पुरुष चरण कर दिए, लेकिन उनके पास धन नहीं आया। उन्होंने सोचा ये सब बेकार है, कुछ होता नहीं है, कितना सब कुछ कर लिया संसार में, बोले कुछ नहीं रखा, उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया, तुरंत जो है गायत्री देवी उनके सामने प्रकट हो गई, बोले मांगो कुछ। बोले मांगूंगा तो बाद में, पहले इतने अनुष्ठान किए, जब मेरे को ज़रूरत थी तब तो आप प्रकट हुए नहीं, और अब मैं संन्यास ले लिया है मैंने, अब आप स्वयं प्रकट हो गए। बोले ऐसा कैसे। तो गायत्री माता बोलती है कि देखो, तुमने पिछले जन्मों में बड़े भयंकर पाप कर रखे थे, 24 भयंकर पाप तुमने कर रखे थे, महापाप जो है वो, जैसे जैसे तुम अनुष्ठान करते गए तो तुम्हारे एक एक करके सारे पाप नष्ट होते गए। तो जब तक पूरी तरीके से जो है व्यक्ति निष्पाप नहीं हो जाता, तब तक उसे साक्षात्कार होना संभव नहीं है। 23 तुमने पुरुष चरण कर लिए, 24वां तुमने संन्यास लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, पवित्र कार्य है। तो ये लेते जो है तुम्हारा वो आखिरी भी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। बोले अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय सारी कामना चली गई। तो कहने का अर्थ है कि कई बार जो है खूब काफ़ी समय तक भक्ति साधन करने के बावजूद भी
हमें ऐसा अनुभव होता है कि कुछ प्रगति नहीं हो रही या कुछ रियलाइजेशन खास नहीं हो रही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के जो हैं वो बैलेंस जो है वो कम होता जा रहा है। और जैसे ही एक बार वो नील होगा, जीरो होगा, तुरंत जो है हमारी अनुभूति होगी। इसलिए रूप को स्वामी धैर्य रखने को बोलते हैं, उत्साह धैर्य निश्चया, थोड़ा धैर्य रख के करते रहो, विश्वास रखो आचार्यों पे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जय श्री लंगोपाल की। बहुजन्म